विवेक के खिलाफ हो चुकी है श्रुति का और चाहत पांडे का जो है साथ देती हुई नजर आ रही है। मैं आप लोगों को बताती हूँ ये पूरे माजरे के बारे में और करती हैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी गॉसिप और करती हैं कुछ सीजन फिर दोबारा से याद, क्योंकि वहां पर भी ऐसी चीजें हुई थी और वहां पर भी लोगों ने जो है इसका मुद्दा नहीं बनाया और लड़कियों ने जो है वहां पर वुमेन कार्ड भी नहीं खेला। क्योंकि ऐसी चीजें अगर मस्ती में हैं तो ठीक है, और अगर आपके ऊपर हावी हो रही हैं तो आप वुमेन कार्ड खेलेंगी। चाहत पांडे जो है अब घर के हर एक कोने में जो है ये चीज कहती हुई नजर आ रही है कि भाई विवियन ने मेरे को ऐसा बोला, मैंने बोला क्यों, पर फिर भी जो है उसने मेरा कबर्ड खोली, मेरे कंटेनर को टच किया। क्या एक लड़की की इजाजत के बगैर क्या कोई आदमी ऐसा कर सकता है? बताओ ये गलत है श्रुतिका या ये सही है? श्रुतिका ने बोला गलत है, गलत है, कोई भी लड़की का ऐसा कोई सामान जो है वो टच नहीं करना चाहिए। और यही बात जो है शहजादा का भी कहना है। अच्छा, यहाँ पर चाहत पांडे साफ तौर पे वुमेन कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। आप मानो चाहे नहीं मानो, पर ये चीज जो उसने की है वो चीज से मैं काफी ज्यादा खिलाफ हूं। मैं भी एक लड़की हूं और मेरे पास भी बहुत सारा सामान है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उस सामान को ऐरा गिरा आके टच कर ले। सही बात है, कोई भी आके जो है, इवन लड़की भी आके मेरे सामान को टच नहीं कर सकती है, और लड़के को मैंने जब तक परमिशन नहीं दी, लड़की को भी मैंने जब तक परमिशन नहीं दी, मेरे सामान को वो टच नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पर इस घर में जिसका सामान पूरा बिखरा पड़ा है और उस बंदे ने जो है तुम्हारे सामान को, तुम्हारे अंडरवेयर को, तुम्हारी ब्रा को टच नहीं किया, तुम्हारे कंटेनर को टच करके वो ये बात बोल रहा कि यहाँ पर जगह है वहां पर रखो, और तुम उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम जो है लगा रही हो नेशनल टीवी पे, ये तो आखिरकार तुम्हारी मेंटेलिटी दिखाई देती है। श्रुतिका ने भी यहां पर जो मतलब कि श्रुतिका ने जो हामी भरी, देखिए हम लोग याद करते हैं कुछ सीजन्स पुराने, दूरी कहां जाती है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की बात करते हैं, रणवीर शौर्य अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग दोबारा से भी सर्च करके यूट्यूब पे शायद वो वीडियोस देख सकते हैं, वो प्रोमोज भी देख सकते हैं। रणवीर शौर्य थे और वहाँ पर बहुत सारे लड़का लोग, इवन लव कटारिया और भी लोग जो है बहुत सारे लड़कियों के सामान में, कंटेनर में फटाफट उनको जो है, जब त्याग वाला जब टास्क वहाँ पर हुआ था कि त्याग करना और विश मांगनी है, तो त्याग करके किसी भी एक चीज़ को त्याग करो, किसी भी अन्य कंटेस्टेंट का, और विश मांगो। तो वहां पर रणवीर शौर्य ने एक लड़की की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद सना मकबूल या किसी की भी, पैंटी उठा के लेके गए थे, पैंटी अंडरवियर उठा के लेके गए थे। वहां पर किसी ने मुद्दा बनाया ना, बाहर मुद्दा बना ना अंदर मुद्दा बना, वहां पर कंटेनर में हाथ डाले गए, जो भी चीज हाथ में आई, चप्पल आया, ब्रा आया, इयररिंग्स आए, जो भी आया उठा के त्याग कर दिया, क्योंकि वहां पर टास्क खेलना था। ना तो उस जगह पर किसी लड़की ने मुद्दा बनाया, ना तो किसी लड़के ने मुद्दा बनाया, ना तो बाहरी दुनिया में किसी और ने मुद्दा बनाया, क्योंकि लड़का लड़की एक बराबर है। और ऐसी लड़कियां जो कि ऐसे वुमेन कार्ड खेलती हैं, वो एक्चुअली में दूसरों की नज़र में लड़कियों की जो वैल्यू रहती है, हाई वैल्यू होती है, उनको भी डाउन करवा देती हैं और एक ऐसे नैरेटिव सेट करती हैं कि सब लड़कियां जो है वो रोती हैं, सब लड़कियां जो है वो अबला नारी बनती हैं, सब लड़कियां जो है ये सब चीज़ें कर सकती है, भाई लड़कियों से दूर रहो। ऐसी लड़कियां ही लड़कियों का नाम जो है वो ख़राब करती है। और श्रुतिका भी, जो कि इतनी समझदार आप लोग बोलते हैं श्रुतिका है, वो भी जो है यहाँ पर बिना सोचे समझे उसी की बात पे जो है हामी भर रही है। तो अभी आप बताइए कि भाई पिछले सीजन्स में क्या कुछ और बात थी, अब क्या कुछ और बात है कि लड़की के कंटेनर को हाथ नहीं लगा सकता और ढिंढोरा पीट रही है हर जगह पर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।